नमस्कार दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को उनके गुणों के बारे में बताया था, वैसे ही मैं आपको अर्जुन के छाल के गुणों के बारे में बताऊंगा। इसके इतने गुण हैं कि आप खुद सोचेंगे, सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि हम इसे चाय की जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या चाय पत्ती के साथ एक चम्मच अर्जुन की छाल का डाल के चाय बना के पी सकते हैं। इतने फायदे हैं इसके, तो मैं इसके गुणों को बताता हूँ। सबसे पहला मैं इसका दिल पे जो असर होता है वो बताता हूँ। जो लोग जिनके दिल में ब्लॉकेज है, चाहे वो नीचे की नसों में ब्लॉकेज है दिल की, या दिल की ऊपर की नसों में ब्लॉकेज है, वो इसका काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं अर्जुन की छाल का। पहले छाल ला के उसको पीस के अच्छे से पाउडर बना लें, उसका 1 कप पानी में 1 चम्मच डाल के उबालें। जब पानी आधा कप बच जाए और छान के उसे उसमें ज़रूरत अनुसार मीठा जो भी आपको पसंद है वो मिला के सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद नहीं लेना। और कोशिश ये करना कि आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है। और जब इसका इस्तेमाल करें तब शराब, दारू, घी, मक्खन, मलाई और बाजार का तला फला ना खाएं। और फिर 3 महीने लगातार इस्तेमाल करके आप दिल के डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवाएं बकायदा, ताकि आपको खुद पता चले कि मेरी दिल की नसें कितनी खुल गई हैं। जो मेरे पेशेंट आते हैं हार्ट ब्लॉकेज के लेके आते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही ट्रीटमेंट करता हूँ। और जब वो 3 महीने पूरे हो जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उनमें जो खुशी होती है ना, वो मुझे भी खुशी पैदा करती है। जब वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब अब मेरी नसें इतनी परसेंट खुल गई, तो मुझे भी अंदर से खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, इनको ऑपरेशन से और सर्जरी वगैरह से बच गए। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना। अब दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जिनको दिल में जलन होती है, वैसे तो किसी को जलन होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी को जलन होती है, या किसी को घबराहट होती है, या मान लीजिए छाती में दर्द होता है, दिल के पास दर्द होता है, इधर साइड में दर्द होता है, और एकदम सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, या सांस काम करते वक्त फूलता है, अर्जुन की छाल का काढ़ा उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये काढ़ा आप पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको कैप्सूल के फॉर्म में भी आजकल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अर्जुना के कैप्सूल बनाती हैं, तो आप कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। जिसको जैसे पसंद है वैसे इसका इस्तेमाल करने। तीसरा इसका फ़ायदा है जिनका ट्राइग्लिसराइड खून में बढ़ा हुआ है, या सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या मान लीजिए LDL VLDL बढ़ा हुआ है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो ये बढ़ा हुआ है, तो वो रोगी इसका इस्तेमाल करने से उनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, इसका हर 2 महीने पे टेस्ट भी ज़रूर करवाएं, ताकि आपको भी पता रहे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल अब कितना ठीक है, अब मैं कितना ठीक हूँ। जिन रोगियों का BP बढ़ता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। BP को ठीक करता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, हाई BP वालों के लिए, हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे BP कंट्रोल रहता है और वो हमेशा ठीक रहते हैं। जिन व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं, या समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे पे ना जाए, मेरे तो खैर उम्र हो गई है, अब 38 साल की उम्र हो गई है, बाल भी झड़ेंगे और बाल भी सफ़ेद होंगे, लेकिन जिनका समय से पहले सफ़ेद होते हैं या बाल झड़ते हैं, वो अर्जुन की छाल को पीस के उसका पाउडर बना के बालों की जड़ों में लगा के आधा घंटा छोड़ें, उसके बाद ताज़े पानी से धो दें। अगर इसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें अर्जुन की छाल बराबर का मेथी दाना और आंवला और भृंगराज, ये चारों चीज़ें एक साथ मिला के पाउडर बना के रख लें, और इसका 1 चम्मच पाउडर पानी में घोल के बालों के जड़ों में लगा के आधा घंटा रखें, उसके बाद धो दें। तो इससे क्या होगा, बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे जो बाल सफ़ेद हो गए वो भी काले होने लग जाएंगे। ये पुराने टाइम की डाई कही जाती है, लेकिन ये देसी डाई है, अंग्रेजी नहीं है जो रिएक्शन कर जाए, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। जिनको TB की शिकायत है, चाहे वो TB फेफड़ों में हो, चाहे वो आंतड़ियों में हो, चाहे वो हड्डियों में हो, वो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल लहसुन के साथ और मुलेठी के साथ, ये तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके इसका काढ़ा बना के, मान लीजिए अर्जुन की छाल 1 चम्मच है, तो 2 कलियाँ लहसुन की लेनी है और 2 से 3 पीस मुलेठी के लेके उसको कूट के 1 कप पानी में उबालना है, आधा कप पानी बच जाए, छान के सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। इससे TB के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, और हर 3 महीने पे आप अपना
चेकअप जरूर करवाते रहें और देखते रहें कि टीवी कितना आराम है, टीवी की बीमारी इससे जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों के लीवर में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, खून में पॉइजन इकट्ठा हो जाता है जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन, या जिनका लीवर जो है फैटी है, या जिनका सिरोसिस, यहाँ तक सिरोसिस बोलते हैं जब लीवर सख्त होने लग जाता है, ये ज़्यादातर दारू जो इस्तेमाल करते हैं उनका लीवर ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। जिनका लीवर ख़राब हो रहा हो, यहाँ तक कि ख़राब लीवर के वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, अर्जुन की छाल ला के पीस के उसका पाउडर बना के आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या मान लीजिए इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो एक चम्मच पाउडर को एक कप पानी में डाल के उबाल के अच्छे से आधा कप पानी बचे छान के सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है, तो उनका लीवर बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और पहले की तरह ठीक हो जाता है और सब कुछ खाना पीना हजम होने लग जाता है। जिनके चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, अर्जुन की छाल, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी तीन चीज़ों को पीस के बराबर मात्रा में इसका पेस्ट दूध में भी बना सकते हैं, या पानी में बना सकते हैं, या गुलाब जल में बना सकते हैं। बना के उसको चेहरे पे लगा के आधा घंटा छोड़ के धो दें, पिंपल्स वगैरह, झाइयाँ वगैरह, झुरियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएगी और चेहरे पे एक नूर जिसे कहते हैं ना ओज शाइनिंग, ये बन जाएगी और चेहरा अच्छा दिखेगा। जो लोग मोटापा घटाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मोटे व्यक्तियों के लिए है, तो अर्जुन का छाल ला के पीस के सुबह शाम बैड टी तो पीते ही हैं, साथ में बैड टी जब बनाते हैं उसमें सब कुछ वही डालें, बस एक चम्मच अर्जुन की छाल डाल दें। एक कप अगर आप बैड टी बना रहे हैं तो एक चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल दें और वैसे ही बनाएं, इससे टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है, टेस्ट सारा आपको वही मिलेगा। और सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करें, इससे फैट सेल्स पिघलने लग जाते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल करते समय आप घी, मक्खन, मलाई और बाजार का तला फला मत इस्तेमाल करें, तभी आप देखना कैसे आपका वज़न ख़त्म होता चला जाएगा, मोटापा पिघलता चला जाएगा। ख़ास तौर पर पेट का जो चर्बी होती है सबसे मुश्किल होती है उसको पिघलाना, ये जल्दी पिघला देता है। अर्जुन की छाल में ऐसे गुण पाए जाते मेदो धातु को मेल्ट कर देता है। जिन महिलाओं को स्तन में गांठ हो जाती है, चाहे वो हार्मोन्स की वजह से हो, चाहे वो कैंसर की गांठ हो, मेलिग्नेंट है, या मान लीजिए कर्सिनोमा है, उनके लिए अर्जुन की छाल बराबर की मात्रा में कचनार की छाल लेके पीस के इनका पाउडर फॉर्म में खाना चाहते हैं तो आप पाउडर फॉर्म में खाएं, काढ़ा पीना चाहते काढ़ा पिए, या मान लीजिए जैसे आप कैप्सूल खाना चाहते हैं कैप्सूल इस्तेमाल करें, और हर 3 महीने बाद अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये गांठ कितनी मेल्ट हो गई है, कैंसर की गांठ इससे ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है और किसी भी तरह की गांठ को मेल्ट कर देता है। जिन व्यक्तियों को बार बार पेशाब आता है या पेशाब गंदला आता है, पेशाब के साथ धातु जाती है, या ख़ास तौर पे जिनका मधुमेह बढ़ा हुआ रहता है, जिनको शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ भी बोला जाता है, चाहे वो डायबिटीज़ 2 टाइप की हो, चाहे वो डायबिटीज़ 1 टाइप की हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे वो इंसुलिन लेते हों, साथ में अपना इंसुलिन लेते रहें, जो टाइप 2 वाले हैं वो अपना गोली साथ में लेते रहें, और जैसे जैसे देखें कि शुगर उनकी मेंटेन होती चली जा रही है, क्योंकि ये अग्नाशय को जो हमारा इंसुलिन बनाता है उसको ताकत देता है और शुगर को कंट्रोल करता है, और ये बहुत अच्छी औषधि है, और अपना रूटीन से चेकअप भी करवाते रहें। जिन व्यक्तियों के बार बार गुर्दे में इन्फेक्शन होता रहता है, या गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं, या गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, उनके लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा, या अर्जुन की छाल का पाउडर, या अर्जुन के छाल का कैप्सूल लेना बहुत फ़ायदेमंद है। बस इतना करें कि अर्जुन के छाल के साथ 2 चीज़ें और मिला लें, पुनर्वा की जड़ और गोखरू। गोखरू चाहे छोटा मिलाए चाहे बड़ा मिलाए, इन 3 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला के आप इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके गुर्दे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, गुर्दे का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और कई जने तो ऐसे केरेटिनिन बढ़ा हुआ है जी, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है जी, तो हम उनको बताते हैं और वो भगवान की दया से इस्तेमाल करते हैं, उनको पूरा लाभ मिलता है, और अपना हर महीने में KFT टेस्ट करवाते रहे ताकि आपको खुद पता चले कि कितना आराम है। जिनके मूत्र पथ में या मूत्र नली में या पेशाब की थैली में या गुर्दे में पथरी की शिकायत है, उनके लिए भी अर्जुन की छाल का पाउडर, अर्जुन की छाल का काढ़ा या अर्जुन की छाल का कैप्सूल लेना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पथरी को भी ख़त्म करता है और एक्स्ट्रा की फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है पेशाब के रास्ते। जिन व्यक्तियों के मुंह में छाले बने रहते हैं पेट की गर्मी के कारण, या पायरिया की शिकायत है, या मुँह से बदबू आती है, तो अर्जुन की छाल को पीस के अच्छे से उसका पाउडर बना के मंजन के रूप में करें, या मान लीजिए छालों पर लगाने से छाले ख़त्म हो जाते हैं और पायरिया की शिकायत ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को
खांसी की शिकायत रहती है, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ रहता है, जरा सा सांस लेते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है, खरर खरर की आवाज़ आती है, तो उनके लिए अर्जुन की छाल, मुलेठी और गुलबनक्सा तीनों को बराबर मात्रा में लेके पीस के काढ़ा बना के सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से बलगम पिघल के बिल्कुल निकल जाती है और आसानी से निकल जाती है, परेशान भी नहीं करती और फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि मुलेठी में और अर्जुन की छाल में इम्यूनिटी बढ़ाने के भी गुण पाए जाते हैं और वो हमेशा ठीक ही रहते हैं। बस इसका इस्तेमाल करते समय खट्टी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि कहते हैं ना दवा के साथ परहेज भी ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर ध्यान रखें। जिन व्यक्तियों को गैस्ट्राइटिस अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है या अल्सर कोलाइटिस की दिक्कत है, उनके लिए अर्जुन की छाल, मुलेठी और नाग केसर तीनों को बराबर मात्रा में लेके, चाहे आप पाउडर, चाहे आप कैप्सूल, चाहे आप काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों में पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस अल्सर हो या आपका अल्सर कोलाइटिस हो, तीनों को ख़त्म करता है। जिन व्यक्तियों को जगह जगह पैरों में, हाथों में, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो उस टाइम क्या करें, अर्जुन की छाल का काढ़ा पुनर्वा की जड़ के साथ, पुनर्वा की जड़ और अर्जुन की छाल को ला के पीस के पाउडर बना के 1 कप पानी में डाल के उबाल लें, आधा कप पानी बच जाए, सुबह शाम इस्तेमाल करने से ये गुर्दों को ताकत भी देता है और प्लस में शरीर की सभी तरह की किसी भी तरह से सूजन आ रही है आपको, चाहे किसी भी कारण से, वो सूजन खत्म हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को नाक से खून आता है या मूत्र मार्ग से खून आता है या गुदा मार्ग से, जिसे हम मल द्वार बोलते हैं, खून आता है, इसे हम रक्त पित्त बोलते हैं, तो उनके लिए नाग केसर, अर्जुन की छाल बराबर मात्रा में मिला के इनको पीस के पाउडर या काढ़ा फॉर्म में इस्तेमाल करने से ये नक्सीर या रक्तपित्त की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन महिलाओं को चाहे बच्चेदानी पे गांठ है, चाहे मान लीजिए हार्मोन्स इनबैलेंस होया पड़ा है या बच्चेदानी नीचे की तरफ आई हुई है या बच्चेदानी का आकार बढ़ा हुआ है, किसी भी कारण से महीना ज़्यादा आता है या मान लीजिए महीना महीने में 2 बार आता है तो रुकता नहीं है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है नाग केसर और अर्जुन की छाल बराबर मात्रा में लेके इनको पीस के, चाहे आप काढ़ा फॉर्म में इस्तेमाल करें, चाहे आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें, इसका लगातार इस्तेमाल करने से ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आपको रसोली है तो इसी के साथ कचनार की छाल आप मिला लीजिए, तो रसोली भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। हाँ, रसोली है तो आप 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना, ताकि आपको खुद पता चले कि कितना फ़र्क पड़ा है मुझे। जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है या हड्डी टूट गई है, वो जल्दी से जुड़ नहीं रही है या कहीं से हड्डी भुखर रही है या हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, उनके लिए अर्जुन की छाल और हरजोर लता दोनों बराबर मात्रा में पीस के आप इसको काढ़े रूप में या पाउडर रूप में इस्तेमाल करें, ताकि आपकी हड्डी बिल्कुल मजबूत हो जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए और जिसकी टूट गई है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगी। दोस्तों, अब इसकी तासीर बता देता हूँ। इसके गुण तो बहुत हैं, बस जो मेन मेन गुण थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है और इसकी मात्रा बता देता हूँ, कितनी मात्रा आप ले सकते हैं। इसको अगर पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो 1 चम्मच से लेके आप 2 चम्मच तक ले सकते हैं, और यदि मान लीजिए बच्चा छोटा है तो आधा चम्मच भी दे सकते हैं। इसको लेने का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आप इसको 6 ग्राम से 12 ग्राम तक भी ले सकते हैं, कोई जने 3 से 6 ग्राम तक भी ले सकते हैं, और सुबह शाम इसको आप पाउडर फॉर्म में, काढ़े फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मैं तो ये कहूँगा, मैं और मेरा परिवार, हम सब जब भी चाय बनाते, चाहे हमारे घर में कितने ही फैमिली मेम्बर की चाय बने, चाहे 10 बंदों की बने, चाहे 2 बंदों की, हम ज्वाइंट फैमिली हैं तो हमारे घर में 10 बंदे तो हैं ही हैं, तो क्या हम इकट्ठे ही क्या करते हैं, जो मेरी मिसेज बनाती है चाय, तो उसमें अर्जुन की छाल की जो हमने पाउडर बना के दे रखा है उनको, चाय पत्ती जितनी भी डले लेकिन अर्जुन की छाल वो 2 चम्मच डालेंगी ही डालेंगी, और हमेशा अभी से नहीं, काफ़ी समय से आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। तो मैं चाहूँगा, मेरी दिल की तमन्ना है कि आप सब भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो हम क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। जब हम बैड टी भी पीते हैं सुबह लेके उठते साथ ही हमें बैड टी चाहिए, नहीं तो हम उठ ही नहीं पाते, और हम भी कई पेशेंट को अगर बोलते हैं जी आप बैड टी ना लो, तो कहते नहीं हो पाएगा जी, उसके बिना तो मैं उठ ही नहीं पाते। तो इसीलिए आप बैड टी लें, उसके साथ अर्जुन की छाल उसमें ज़रूर डालें, ताकि आपको उसके गुण मिले। तो दोस्तों, अब इसका नुकसान बता देता हूँ। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, वो
और जिनका शुगर बहुत ज़्यादा लो रहता है वो इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये बीपी को भी लो करता है और शुगर को भी लो करता है। और इतने गुण हैं इसके, तो मैं चाहूँगा आप इसका इस्तेमाल करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।